Good morning, student. Today we start chapter 13, motion and time. Student, in this chapter we discuss motion. What is the motion? Student, motion can be an object. An object is said to be in motion. कोई भी object कहा जाता है कि वो motion की स्टेज में है जब वह दिए हुए टाइम में एक निश्चित टाइम में वो किसी भी स्टेज में ऑब्जेक्ट में वो अपनी पोजीशन को क्या करती है चेंज कर करती है. तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ये मूविंग ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये हमारा डस्टर हमने लिया है और यहाँ से अगर मूव करें यहाँ स्थित है यहाँ से मूव करके इस स्थिति से यानी ये स्थित पॉइंट है यहाँ से मूव करके एक निश्चित समय में यहाँ तक इसको जाने में कुछ सेकेंड का समय लगता है मूव करने में. तो ये जो टाइम है जिस चांस करते हैं इसे हम क्या करते हैं मोशन कहते हैं. तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विद द टाइम विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जब वह अपनी पोजीशन अपनी स्थिति को चेंज करती है तो इसे हम कहते हैं कि वह ऑब्जेक्ट मोशन के स्पेस में है. दूसरा है स्पीड. स्पीड क्या है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग बॉडी. कोई मूविंग बॉडी है जिस स्पीड में जिस चार्ज से किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं स्पीड कहते हैं. तो स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम. और डिस्टेंस अगर आपको डिस्टेंस याद करना हो तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम. टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इस तरह से हम इन तीनों फार्मूलों का यूज करके हम स्पीड डिस्टेंस और टाइम को याद कर सकते हैं. इसलिए सबसे आसान तरीका होगा कि आप डिस्टेंस को याद करें. डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम. तो अगर ये याद होगा तो अगर हमको टाइम निकालना हो तो स्पीड को हम यहाँ नीचे रख देंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर हमारा टाइम आ गया. अगर हमको स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम डाल देंगे तो हमको स्पीड पता चल जाएगा. तो इस तरह से हम इस एक फार्मूले को याद करके तीनों फार्मूले को का यूज कर सकते हैं और हम डिस्टेंस स्पीड और टाइम इसका जो संबंध है इसे हम ज्ञात कर सकते हैं. स्टूडेंट यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. जो आपकी डिस्टेंस की यूनिट है उसको हम मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं. इसे हम साथ में यम ऑब्लिक यस से इंडिकेट करते हैं या यम यस पावर माइनस वन से भी इंडिकेट किया जाता है दिखाया जाता है. तो ये आप इसको ध्यान रखें. दूसरा है स्पीड को हम किससे मेजर करते हैं. स्पीड को मेजर करने के लिए हम स्पीडोमीटर का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो हम जो स्पीड होती है उसको हम स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं. और आपने देखा होगा जो मोटर व्हीकल्स हैं या जो गाड़ियाँ हैं उनमें स्पीड मीटर लगा होता है. जब स्पीड ज़्यादा होती है तो इंडिकेट करता है कि कितने स्पीड में कोई गाड़ी चल रही है. दूसरा होता है ओडोमीटर. गाड़ी में ओडोमीटर भी लगा होता है. ओडोमीटर मेजर द डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल्स. व्हीकल्स के द्वारा यानी कोई व्हीकल्स है कोई वाहन है कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको इंडिकेट किया जाता है ओडोमीटर के द्वारा. ओडोमीटर के द्वारा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की कितनी दूर गई वो इंडिकेट किया जाता है ओडोमीटर से. स्टूडेंट ये दो चीज़ें आप ध्यान रखें. तो इस चीज़ पे बेस पे कई सवाल हैं और भी सवाल बनते हैं आपके. जैसे कि किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है. उसको कन्वर्ट करने के लिए आप उसको यहाँ देख सकते हैं. जैसे किलोमीटर पर आवर है किलोमीटर पर आवर है उसे आप मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना है. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक किलोमीटर आवर होता है आपका 1000 किलोमीटर.
ईयर्स होते हैं 16 ईयर्स और 16 ईयर्स में 16 ईयर्स होते हैं 16 ईयर में कितने होते हैं आपके 16 ईयर में आपके कितने सेकेंड होंगे यानी एक मिनट आपके 60 सेकेंड होंगे 16 ईयर में आपको 60 इंटू करने पर आपको 3600 सेकेंड्स पता चल जाएगा। तो अब क्या करेंगे 1000 इससे डिवाइड कर देंगे किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने पर किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 इसको साल करेंगे तो आपका आ जाएगा 5/80। जैसे आप इसको कट कर ले तो इस ये राशि आ गई। तो इससे आप कोई भी किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है उसमें 5/80 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो राशि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें इसको आप ध्यान रखें। इसी तरह से यदि आपको मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप 80/5 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। यानी जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो 5/80 कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में वो चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट आज के लिए इतना ही।